I think is like looking a very 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 team now, Batsman yeah, आपके दुनिया के world class हैं, अगर बॉलर भी आपके world class हो जाएंगे फील्डिंग आपकी वैसी बेहतर है आ, पैसे आप सब ज्यादा वैसी देते हो पूरी दुनिया में यार तो बार बार कह रहे कहीं भी निकले आसमान आपको दिखेगा उसकोडेंसिता कुमार यादव खेल सूर्य कुमार यादव दंडीशन और उसके हिसाब से ऐसी नहीं थ्री सिक्सटी डिग्री कहा जाता है कुमार यादव को ही अडेप्टेड द कंडीशन और उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करके जहाँ चौका छक्का मारना था या जहाँ सिंगल लेना था डिड इट एप्टली

के लिए वीडियो बनाऊंगा या नाम उनका लूंगा मैं यही नाम लूंगा 360 सूर्य कुमार यादव ये वाहिद प्लेयर है जो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं जो रेंज है उसके पास शॉट्स की <coughs> तो आई थिंक इस टाइम पे मैं कहूंगा दी बेस्ट अगर उसको कहा जाता है इतना कि और भी इनिंग्स हमने देखी हैं सूर्या कुमार की कि उसके पास ऑब्वियसली जो शॉट हैं किसी और बैट्समैन के पास वो नहीं है

या बोल देता है लोग ये खेलता है ना वो सारे काम छोड़ दे छोड़ दे बहुत अच्छी ना आगे जाता है ना पीछे जाता है और बहुत जल्दी पिक कर लेता नमस्कार दोस्तों मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि टीम इंडिया इस समय श्रीलंका के दौरे पर गई हुई है जहां पर उसे तीन टी और तीन ओडियाई मैच खेलने हैं बताते चले कि भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही टी सीरीज के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को मात देकर सीरीज एक जीरो से बढ़त बना ली है बात करें अगर मैच की तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर 213 रन बनाए भारत की ओर से एक बार फिर से सूर कुमार यादव का जादू देखने को मिला बताते चले कि सूर कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अट्ठावन रनों की शानदार इनिंग खेली इसके साथ साथ ऋषभ पंत ने उनचास और यशस्वी जायसवाल ने 40 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है बताते चले कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले ही टी से संन्यास ले चुके हैं और अब टीम इंडिया का नया युग स्टार्ट हो रहा है कुल मिलाकर एक बार फिर से टीम इंडिया ने यह बता दिया है कि बड़े प्लेयर अगर नहीं भी रहे तो भी टीम इंडिया खुद को एडजस्ट कर सकती है टीम इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सूर्य कुमार यादव पहले से ही शानदार लय में दिखाई दे रहे थे और जैसे उन्हें कप्तान बनाया गया वो और अधिक अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि सूर्य कुमार यादव न केवल अग्रेसिव बैटिंग करते हैं बल्कि टेक्निकल बैटिंग भी करते हैं यही रीजन है कि जब भी वो शॉट लगाते हैं तो उनके शॉट हमेशा गैप में जाते हैं तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने टीम इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है कुमार यादव ने बैटिंग की है है बहुत ही सुपर डुपर आप कब तक जो को छुपाएंगे आसमान छुपने से नहीं छुपता हक हाँ कोने से दिखता है चाहे आप कहीं भी निकले आसमान आपको दिखेगा स्काय आपको दिखेगा देखा सूर्या ने अलग विकेट पे बैटिंग की देखे सूर्या को तीन को बहुत पुराना हो गया हम लोग अपनी टम में मैंने एक बार कहा था चौदह डिग्री मजाक नहीं था। वो ये था कि मैंने उसको मल्टीप्लाई किया था कि मैंने ये नोट किया कि ये विकेट के पीछे भी चार तरह से खेलता है लोग ऐसे मारते हैं या कोई ऐसे मारता था ये यू भी मारता है ये यूं भी मारता है ये यू भी कर देता है तो इसलिए ये चौदह सौ चालीस डिग्री था भाई और हमेशा से खेलता है ना दिन सारे काम छोड़ दे छोड़ दे बहुत अच्छी

मेरी तरफ से अब मैं जब भी सूर्य कुमार यादव के लिए वीडियो बनाऊंगा या नाम उनका लूंगा मैं यही नाम लूंगा थ्री सिक्सटी सूर्या कुमार यादव ये वाहद प्लेयर है जो ग्राउंड के चारों तरफ शॉर्ट्स खेलते हैं कि जब भी फास्ट बॉलर आता है ये या उसको सामने शॉर्ट्स खेलते हैं या इसको फाइल लेग की तरफ खेलते हैं या थर्ड मैन की तरफ से खेलते हैं फास्ट बॉलर का पेस यूज करते हैं फिलहाल जो सूर्या कुमार यादव की फॉर्म चल रही है इससे बड़ा टी का प्लेयर मैं नहीं समझता नो no डाउट बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं लेकिन ये जो तो हम 360 की बात करते हैं उस हिसाब से सूर्य कुमार यादव से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है और भी इनिंग्स हमने देखी हैं सूर्या कुमार की कि उसके पास ओवर से जो शॉटें किसी और बैट्समैन के पास वो नहीं है एक तो ये तय चीज़ है अब उसमें जो अच्छी चीज़ है कि इज़ नॉट ओनली अ पावर हीटर उस उसको इनोवेट करने भी आती हैं चीज़ें इम्प्रोवाइज करना भी आता है वी कैन टाइम द बॉल मतलब मतलब तीन अग्रेशन देखें मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यू नो अग्रेशन के मतलब तीन आप तीन ऑफिस से उसके रखें स्मार्ट अगेशन कहते हैं आपके पास जब आपको सिर्फ टाइमिंग चाहिए पावर प्ले में खेल रहे हैं पटाखा पेच सिर्फ टाइम ही करते जा रहे हैं आपको चौके मिल रहे हैं ठीक है उसके बाद आती है आपकी इम्प्रोवाइज करना आपको गैप्स नहीं मिल रहे हैं आप इम्प्रोवाइज करने जाते हैं आखिरी ऑप्शन आपके पास होता है पावर हिटिंग का तो आइडियली यू वांट ऑल थ्री एलिमेंट्स इन ट्वेंटी बैट्समैन तीनों में नजर आते हैं इसमें कि पावर भी है इसके पास, भी है है इसके इसके पास पास टाइमिंग जब एडमिशन की बात आती है तो वो सबसे आगे आपको नजर आते हैं तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया टीम इंडिया का फैन बन चुका है पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडिया का बैटिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा मजबूत लग रहा है इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि आज के मैच में टीम इंडिया की ओपनिंग बल्लेबाजी ने काफी बढ़िया खेल का प्रदर्शन दिखाया जी हाँ दोस्तों यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल ने 70 प्लस रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोनों के बीच 70 रनों की साझदारी हुई है इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि जैसे ही दो विकेट गिरे इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने कमान संभाली और शानदार बल्लेबाजी कर टीम इंडिया को एक विशाल स्कोर पर पहुंचा दिया जिसके बाद श्रीलंका को इस विशाल स्कोर को छुपाना लगभग नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा निकल चुके हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़े प्लेयर इस टीम से जा चुके हैं क्योंकि टीम इंडिया का बैलेंस अभी भी काफी शानदार है इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि टीम इंडिया के पास जो बैकअप टैलेंट है वो काफ़ी बढ़िया है यही रीज़न है कि कोई भी प्लेयर आ जाता है या फिर कोई भी प्लेयर निकल जाता है टीम इंडिया को उससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हालांकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर थे जिनकी बराबरी कोई शायद नहीं कर पाए लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि टीम इंडिया के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है उसकी बराबरी दुनिया में और कोई भी टीम नहीं कर सकती है इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर हमारे दो प्लेयर एक साथ संन्यास ले ले तो हमारी टीम पूरी तरीके से कबाड़ हो चुकी होगी इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि टीम इंडिया ने हाल ही में टी ट्वेंटी कप का अपने नाम किया है और अब एक बार फिर से श्रीलंका में उनकी वर्ल्ड चैंपियन परफॉर्मेंस देखने को मिली है तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ सुनो चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए थैंक यू